जौनपुर में जम्मू से हावड़ा जा रही ट्रेन से रेलवे पुलिस ने कछुआ तस्कर गिरोह की एक महिला को भारी मात्रा में कछुए के साथ गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस ने महिला के पास से 5 बैग बरामद किए जिसमें लगभग 32 कछुए भरे हुए हैं। जीआरपी पुलिस महिला तस्कर को जौनपुर सिटी स्टेशन पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पकड़े गए कछुओं की कीमत तकरीबन 3.5 लाख में बताई जा रही है। आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है, लिखा पढ़ी कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं पकड़े गए कछुआ को जीआरपी ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, सभी कछुओं को तालाब में छोड़ने की बात कही है। जौनपुर में कछुआ तस्करी को लेकर पहले काफी चर्चाओं में रहता था। बीते कुछ वर्षों से इस अवैध धंधे पर लगाम लगी हुई थी, लेकिन जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक बार फिर बड़ी संख्या में कछुओं की बरामदगी हुई है। यह बात साबित कर दी है कि कछुआ तस्करों का गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। कल दिनांक 15/10/2019 को सिटी रेलवे स्टेशन पे श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे प्रयागराज व पुलिस उपाधीक्षक रेलवे वाराणसी महोदय के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों को देखते हुए ट्रेनों की चेकिंग की जा रही थी। समय करीब 8:15 से 8:30 के बीच में हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू से हावड़ा को जाने वाली आई जौनपुर सिटी स्टेशन पे, जिसमें हम लोग चेक करते हुए आ रहे थे कि ट्रेन के S1 बोगी में ट्रेनों के सीट के नीचे वो गट्ठर मिले। गट्ठरों को संदिग्ध अवस्था में हम लोग देखे नीचे। यात्री भी कुछ संदिग्ध बताए कि संदिग्ध सामान है, जिसकी चेकिंग किया गया तो उसमें कुल बड़े और छोटे मिला के काफ़ी बड़े बड़े कछुआ 32 अदद बरामद हुए। वह एक महिला वहाँ बैठी थी, जिस संबंध में पूछने पर बताई कि हम लोग साहब ये कछुआ ले जाकर हावड़ा उतरते और बंगाल में ये बेचते हैं, काफ़ी उच्च दामों पे वहाँ बिक्री हो जाती है, इसीलिए हम लोग कछुओं की तस्करी करते हैं। कितनी कीमत होगी इसकी? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 3.5 लाख कीमत होगी कछुओं की।